लड्डू कहाँ लेके काटबे लड्डू एते तब पूछिए क्या छे सुबह से पूछिए लड्डू है चल चल छोड़िए क्या कौन सी है यहाँ के लोग वही उठे क्या है सब एक रोडिया के लोग छे हो गया पूनम जाओ जिंदाबाद उधर खड़ा जा चल 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 लीजिए उधर आइए सब आइए यही पर से है इस पर से हमारा जमीन छुटा हुआ है कहाँ तक जो है ना उधर भी टोला है उधर भी टोला है अच्छा जमीन देगा लो वहाँ उधर जमीन देगा तब आगे देगा या नहीं देगा वो तो आगे वाला जमीन वाला समझ अच्छा लेकिन ई लोग का जो है वहाँ तक घर है जिनका अपना आगे खरीद तक खरीद तक हाँ खरे यहाँ तक जमीन आप लोग का क्लियर है क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं है ये घर अपने घर वही तटिया तक यहाँ तक जमीन में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग आप लिखिए विद्यानंद पंडित से नरेश पंडित घर अच्छा अलग बनेगा सब छोटा छोटा तो पंचायत का भी है करने का अपने तैयार हो तब ना तो छोटा पंचायत लोग की करते ही सोचिए तब होता है गरीब आदमी कोई उपाय नहीं है हमारे पांच धूर जमीन छे दू गो बेटा छे केना दिवस कटबे दुमहला चाची बना लेबे टेंशन नहीं जरूर होते अपन नंबर दे देवे होते होते जरूर होते ठीक चलू वो दिन दूर नहीं छे होते उन्हें पीछा चल जेबे तो बढ़िया रहते मुकेश की मल्ला होते लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपने सवाल किए जो बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है उसका पेंशन कैसे मिलेगा तो हम लोग
कठिनाई भी होती थी, एनएच से गुजर के जाना पड़ता था, कभी एक्सीडेंट का उनके परिवार का भी डर रहता था। आज हमने खगड़िया के धरती पर ही नंदू मंडल टोला के धरती पर इस मध्य विद्यालय को उत्कर्षित कर हमने हाई स्कूल बनाने का काम किया। आज इस हाई स्कूल का जो आज नजारा दिखने को मिल रहा है, जो हमारे बच्चे के पेरेंट्स अभिभावक को हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को मिल रहा है, ये हमको लगता है कि ये हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो सरकार की मंशा थी कि हमारे हर तबके बच्चे हमारे हाई स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, बच्चे हमारे शिक्षित हो उच्च शिक्षा से और भी आगे बढ़े। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं किस तरह हम ये हाई स्कूल को जो उत्कर्षित विद्यालय को हाई स्कूल को हम भवन बनाने का काम किए, हमें लगता है कि आगे समय में भी हम इस स्कूल को 10+2 और इस गांव में कॉलेज बनाने का हम काम करेंगे। आगे भी कार्यक्रम है, आरटीपीएस सेंटर का जो प्रोग्राम रखा गया है जो प्रचार सरकार भवन में और हम लोग वहाँ चलेंगे। चंदन जी,
और इस मंच पे उपस्थित हमारे यहाँ जो मंच पर बैठे हुए हैं वार्ड पार्षद आराधना कुमारी जी, सुमा देवी जी, राधा राम यादव जी, कल्पना जी, राम इकबाल यादव जी, किरण जी, अस्मिता जी, देवी जी, क्रांति जी, सुलेखा देवी जी, देवी जी समझ जी और हमारे इस पंचायत पांच के सरपंच भी है धनंदन शाह जी, जय जय राम यादव जी, कपिले प्रसाद यादव जी, रमन यादव जी, अमोद यादव जी, पारी यादव जी, नित्यानंद यादव जी, सारा चीज का डर रहता था। आज हमारे गांव में हाई
समस्या ढेर है और काम समय कम है, काम अधिक करना है हम लोगों को। आप देख रहे हैं यहाँ का मेन समस्या है कि जो जिनके पास जमीन नहीं है, इंदिरा आवास बनाना है। अभी बताया कि हमारे पास जमीन नहीं है, इंदिरा आवास सूखित हो गया है। हम ऐसे जमीन पर इंदिरा आवास बनाने नहीं बन पाता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वैसे जो हमारे माता बहनों का इंदिरा आवास सूखित हो गया है, तो निश्चित तौर पर उनका बहुत ही जल्द निराकरण होगा और उनको जमीन को दे करके उनको इंदिरा आवास भी दिया जाएगा और बनाया जाएगा। दूसरा समस्या है कि शौचालय जो हमारा हर घर में शौचालय बना, एक ही समस्या ज्यादा शौचालय तो लेकर के ही समस्या है कि जो समस्या है शौचालय तो बन गया है और शौचालय का राशि नहीं मिल रहा। बहुत ऐसे समस्या है इस पंचायत का, ये दो तीन पंचायत आए लोग यहाँ है। निश्चित तौर पर जो बच्चे हुए जो बच्चा आए शौचालय बना लिए हैं, जिनका पैसा खाता में नहीं गया है, आपको है शिकायत कर सकते हैं और आपको शौचालय में निश्चित तौर पर सभी का पैसा जाएगा, विकलांग पेंशन का पैसा जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा जाएगा, विधवा पेंशन का पैसा जाएगा, सारा पैसा आपके खाता में बहुत जल्द ही जाएगा। अगर आपका काम का निपटारा नहीं हो पाता है तो आप एक आवेदन लिख के लाइए और निश्चित तौर पर वो काम भी हम करवाने का काम करेंगे, क्योंकि मुखिया जी का काम है वो सब करवाने का। सबका अपना दायरा है, अपना अधिकार है। अगर आय के आधार पर दिया जाएगा तब आप लोगों को पेंशन मिल जाएगा। तो विधायिका जी आ रही हैं, उनके सामने हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हम लोग तो कई बार रिक्वेस्ट किए हैं इन बातों का, तो आप लोग बैठे हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। वास्तविक स्थिति में वास्तविक रूप से कुछ ऐसे लोग का नाम एपीएल में है जो कि पेंशन के हकदार होने चाहिए, काफी गरीब है परिवार के हैं। आप लोग राशन कार्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे, राशन कार्ड के बारे में भी मैं बता दूं, जिनका नाम गलती से कट गया है उसका सुधार हो सकता है। जिन्होंने आवेदन किया है उनका जांच की प्रक्रिया चल रही है, अब बहुत ज्यादा विलंब नहीं लगेगा, वो जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन गलती क्या हो जाती है राशन कार्ड के मामले में, राशन कार्ड के मामले में नियम ये है कि आपके घर में अगर किसी का भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आप दोबारा उसका राशन कार्ड में नाम जो छूटे हुए व्यक्ति है उसका नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे। प्रपत्र फॉर्म है, क्या करते हैं बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, परिवार बड़ा हो गया तो बेटा के नाम से अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। ये चीज है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उस परिवार में अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो नाम जुड़वाया जा सकता है, राशन कार्ड नया बनेगा नहीं। तो जुड़वाने के लिए आप लोग आवेदन ना देके सीधा नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन देते हैं, उसमें एफिडेविट भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, दौड़ना भी पड़ता है सब। लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है, जांच में पता चलता है कि इस परिवार के नाम से पहले ही राशन कार्ड है, तो जिस किसी भी परिवार के नाम से राशन कार्ड है तो वो दोबारा राशन कार्ड के लिए अगर आवेदन करते हैं तो उनका अंततोगत्वा कट जाएगा। पत्रकार को जाना जी, जरूर दिया जाए, पकड़िए पकड़िए जी जी काटिए। चालू है कौन सा आवेदन आ रहा है? आज अभी उद्घाटन अब हो जाएगा, ओकरा वोट होगा घटो ना जी।
हम तब तक इधर संभाल हैं जी, संभाल हम तो वहीं चल गए थे स्कूल पर चले। नहीं वो चलिए करिए, चलिए स्कूल वहाँ बोल देगा जा रहे हैं स्कूल, यहाँ पे लेट लगेगा। भारत माता की, भारत माता की। बाबू हटो ना जरा सब पीछे, और थोड़ा छोड़ के तुम कहा बढ़ा देते हम लोग ले नहीं सकते। पीछे हो जा, पीछे हो जाइए उसे। भारत माता की जय, देवी माता की जय। काली बजे हैं सब। अरे पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे पीछे हटिए ना, एक मिनट पीछे हटिए, जरा रुक के। पहले हाथ करते हैं उसे। अरे भाई, अरे भाई, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम क्षेत्रेमहे देवितायुसु यूवते हरे ओम सहस्रखा पुरखा देव सह शत्रुवा सभुमुखम सर्वदा स्मृत्वा।
भविष्य में हमारे देखिए सर जी सर बच्चा लोग आओ ना आगे तुम सब आओ ना स्वागत है स्वागत करेंगे वो स्वागत वही चलिए ना अच्छा रहे वही सब चलिए फोटो लेने।